के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। हम लोग केस करने पे आ जाए तो आगे ज्यादा कैबिनेट और पार्लियामेंट इनका खाली हो जाएगा। इस सब तो बदतमीज बेशर्मी वाले बयान देके बैठे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। क्यों खतरा है? तेरे सरकार से खतरा है, तालिबान से खतरा है, चौकीदार से खतरा है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है तभी उड़ के निकाले हैं ये। पहले आपका जो जवाब दो, फिर आप संसद का माइक म्यूट कर देते हो। आपको लगता नहीं है कि तानाशाही है? प्रधानमंत्री जी थोड़ा चाहिए खेलना बंद कर दे। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, रात में हो जाता है कुछ। 2014 के पहले इनको शर्म आती थी देश के प्रधानमंत्री होने में और इनको यहाँ पैदा होने में। उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले लोग बोलते थे कि हम भारत कौन बोलते थे, कौन लोग नाम बताओ प्रधानमंत्री, क्या लोग बोलते थे? अरे चाहिए, आज तो लोग बोलते हैं 80 करोड़ रोजगार दे रहे थे, 5 किलो राशन लागत का दिया, सिलेंडर का बाटला भूल गए, सिलेंडर कितने का है। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को बेशर्मो, तुम्हारी दस्तावेज रद्द करवाएंगे। देखिए जितने भी धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, आर एस भाई जैसे लोग, ये लोग वही आएंगे। ये वही लोग हैं जो बागेश्वर मारे के पर्चे से प्रधानमंत्री बनवाते हैं, राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए। और उनको कहीं ना, ये सरकार तो बर्दाश्त हो नहीं रही थी इन लोगों को। जब सरकार बर्दाश्त हो नहीं रही है, सरकार को लग रहा है कि एक अकेला राहुल गांधी मिटा के रख देगा भाजपा को, तो उनकी संस्था भी रद्द कर दी गई। हालात बहुत बुरे हैं, आप समझिए। पंडित जी देखिए, कोर्ट ने तो फैसला दिया, ताबड़तोड़ कार्रवाई संसद ने की। ये तो कानून है सर, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना रखा है। मैं कह रहा हूँ कानून है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ पे कानून नहीं है, सुपनंखा पे कानून नहीं है। राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था कि ये कानून बहुत बढ़िया है, जिसको नेता को सजा मिले उसका सदस्यता खत्म होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा था नो टॉलरेंस, देखिए नॉनसेंस बोला था अध्यादेश को, सोनिया जी ला रही थी अध्यादेश, देखिए राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था। आज अगर उनकी मंशा साफ थी, लेकिन भाजपा की मंशा साफ नहीं है। लालू यादव फंसे तो चोर, राहुल गांधी फंसे लालू यादव फंसे तो चोर नहीं, जो चोर है वो चोर है। लेकिन अगर मोदी सर नेम लगाने से इतना दिक्कत हो गई, तो गांधी नेहरू परिवार को कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे आप लोग? कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? कोर्ट से ही तो कार्रवाई कर रहे हैं ना, कोर्ट से ही तो कार्रवाई कर रहे हैं ना। तो फिर पेट में दर्द क्या हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा है, धरना प्रदर्शन का है, क्यों नहीं करेंगे? आप तानाशाही कर रहे हैं देश, आपने पहले कहा जवाब दो। देश की सबसे बड़ी पंचायत का माइक म्यूट कर दिया, आप सोचिए आप कैसे बात कर रहे हैं। तानाशाही तो इन्होंने बंद कर दी है। आप बताइए स्वाति प्रज्ञा पे वो मुकदमा नहीं होना चाहिए? जगनमोहन रेड्डी को कौन जेल में डाला था? देखिए जगनमोहन रेड्डी वाले मामले का मामला अलग था। अच्छा, आज जब सीबीआई ईडी इनकम टैक्स ईमानदार थी, आपके यहाँ छापा पड़ा तो बेईमान हो गया। तो भैया वो तो सभी देख रहे हैं कि इतनी बार ईडी छापा मारी तो जवाब दे, क्या निकला? अरे बताए ना दस्त शंभू भाई, बताइए ना जवाब क्या दी सरकार? बंद कर लेना, गुटर गु कर लेना, फिर छोड़ देना, बंद कर देना, आप ही आप घुमा दिए। बंद कर लेना, गुटर गु कर देना, उसके बाद चुप हो जाना। ये मनसा भारतीय जनता पार्टी की है, उसका साथ देना छोड़ दीजिए। लालू यादव खामोश क्यों थे? सबसे पहले लालू यादव गए थे इस केस में, देखिए इस मामले में। आज के परिपेक्ष में सरनेम मिलाना, गांधी नेहरू परिवार को किस तरह से संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा? तो गांधी नेहरू परिवार पर कानून लागू नहीं होता है देश का? तो कानून लागू होता है, मोदी जी पर लागू नहीं होता है? क्या देता कानून? सजा दिलवाइए कोर्ट से, हम जा रहे हैं आपके राज्यों में सरकारें केस करवाइए। हम इसे हमारी पार्टी, अरे 10 साल आपकी सरकार थी, मोदी जी को काहे नहीं फांसी पर चढ़वा दिए गुजरात में गोधरा कांड को लेकर? आजम खान की सदस्यता गई तब नहीं बोले। अरे रुके रुके भाई, मुसलमान की सदस्यता जाएगी नहीं बोलेंगे, दलित की जाएगी नहीं बोलेंगे, पिछड़ा की जाएगी नहीं बोलेंगे, खाली राहुल गांधी पर पेट में दर्द होता है? देखिए दलित आदिवासी पिछड़ा सबके साथ तो है। जिस मानवीय डिपार्टमेंट का नाम लेके इन्होंने आरोप लगाया है, तो पूछे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह से कि उन्होंने भूपेश बघेल को छोटा आदमी, छोटे दिल का आदमी कहा। क्या ओबीसी समाज को छोटा दिल का आदमी कहना शोभा देता है भाजपा को? कह रहा है ओबीसी के विरोधी है कांग्रेसी। तो ये जो रमन सिंह ने कहा वो क्या था? प्रधानमंत्री जी दोनों चाहिए खेलना बंद कर दे। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, रात में हो जाता है कुछ। मोदी का विरोध देश का विरोध है, क्यों नहीं समझते बात को? मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। आप लोग जो चैनल वाले हैं ना, उनको देश मत बनाइए, देश हम सब है। वो खाली मोदी अकेले वो अपने आपको वोट देके प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तो फिर राहुल गांधी लोकतंत्र कैसे हो गया? अगर राहुल गांधी राहुल जी का क्या होगा ये बताइए। देखिए अभी ईडी की मार हम ही नहीं झेल रहे हैं, तेजस्वी यादव हो, उसके बाद अभी एक और नेता है, सबके पास ईडी जा रही है। लालू यादव और 14 पार्टियों ने, 14 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर यह दिखा दिया है कि मामला सर से ऊपर जा चुका है। इस बार बहुत जोरों की लड़ाई है, 24 में दाना पानी उठता दिख रहा है भाजपा की। बीजेपी वाला कह रहा
एकजुट हो रहा है, सब चोर एकजुट हो रहा है। अडानी अंबानी पे चोरी नहीं दिखती है क्या? फोटो दिखाने में इतना चिढ़ गए, मैं तो डर गई। आवाज नहीं उठा पा रही है, आवाज नहीं निकाल पा रहे है, आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना कि भाई विदेश जाते हो तो लेके जाते हो, दूसरे पर आरोप लगाने से अपने आरोप कम नहीं हो जाते। अरे आरोप तो मीडिया वाले आज से नहीं, 14 के पहले भी आरोप हम पे लगाए थे, सिलेंडर बढ़ गया, 1200 का सिलेंडर है, पूछा बात नहीं निकल पा रही है। ए आर चैनल वाले हो, चाहे आसम खान मामले में राहुल गांधी चुप क्यों थे, तभी क्यों नहीं आवाज उठाई? अरे राहुल ने राहुल गांधी ने सवाल पूछा, राहुल गांधी ने सवाल पूछा है तभी उठ के निकाले हैं ये। पहले आपका तो जवाब दो, फिर आप संसद का माइक म्यूट कर देते हो। आपको लगता नहीं है कि तानाशाही है? और आपको तानाशाही क्यों लगेगी? बढ़िया पैकेज जा रहा है, लिफाफा जा रहा है, बैग जा रहा है। इमरजेंसी क्या था? इमरजेंसी जो लगी थी वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसको कोई देश का आदमी सही नहीं मानता है, ठीक है ना। उसके बाद भी चुनाव इंदिरा गांधी जीती थी, और इंदिरा गांधी जी अगर आप उसको याद करते हैं तो 1971 की लड़ाई वाले में इंदिरा गांधी ने किसी देश उसके नाम पे वोट नहीं मांगे, 42 जवानों सहित जवानों के फोटो लगा के मोदी जी ने वोट मांगे हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए, सारे विपक्ष साथ दे रहे हैं आपके, राहुल गांधी। खुश होने वाली दुख होने वाली बात नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है इसलिए दुख होने वाली बात। किससे खतरा है? अरे सरकार से खतरा है, तालिबान से खतरा है, चौकीदार से खतरा है, तालिबान नहीं बोले। अच्छा बताइए, चलो लो, मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं कि कैसे आए? वही चुनाव जीत के राहुल गांधी क्या हवा से मंगल ग्रह चले आए हैं क्या? कोर्ट ने अपराधी राहुल गांधी मंगल ग्रह चले आए, कोर्ट ने दोषी ठहराया ना। साक्षी अभी तो सुप्रियंका में भी केस चलेगा। अरे माफी मांग लेना चाहिए, कितना आसान था। माफी भी नहीं है वो, खाली मोदी 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 करने से। दो बार माफी मांग चुके हैं, राफेल पर और एक कौन सा सुप्रीम कोर्ट में, चौकीदार पर। चौकीदार पर देखिए, मत बोलिए, हम लोग को गोदी मीडिया समझते हैं। चौकीदार तो चोर कब से हम लोग कहते आ रहे हैं, करे सब पे केस। उनकी बात तो उनके मंत्री नहीं मानते हैं मोदी की, हमारे क्या मानने का? मोदी जी को इतना गिर के बोलना पड़ा कि मुसलमानों पे टिप्पणी मत करो, फिर भी उनके नेता उनकी ना बात मान के मुसलमानों पे टिप्पणी करते हैं। आजम खान की जब सदस्यता गई, उनके बेटे की जब सदस्यता गई, तब काहे नहीं बोले आप लोग? सब बोले हैं, लोकतंत्र खतरे में नहीं था? आप लोग विपक्ष को लड़वा कर एक होने नहीं देंगे। अच्छा पता है आप लोग, वही पत्रकार का काम है विपक्षी को एकजुट करना कि सवाल पूछना। तो सवाल आप पूछिए, हम लोग तो एकजुट हो रहे हैं ना, तभी आप सवाल क्यों पूछे? भाजपा से पूछिए कि सुप्रियंका वाले पे केस क्यों नहीं करवा रही है वो? आप करवाइए ना, आपके कंट्री में जाए, नौ कंट्री में जाके देश का अपमान करने वाले देश के प्रधानमंत्री को क्या बोला जाए? 2014 के पहले इनको शर्म आती थी देश के प्रधानमंत्री होने में, और इनको यहाँ पैदा होने में। आप फिर प्रधानमंत्री का अपमान, उन्होंने आप गलत कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले लोग बोलते थे कि हम भारत। कौन बोलते थे? कौन लोग? कौन लोग? नाम बताओ प्रधानमंत्री, क्या लोग बोलते थे? अरे जाइए, आज तो लोग बोलते हैं 80 करोड़ रोजगार दे रहे थे, 5 किलो राशन मिला के अटका दिया, सिलेंडर का बाटला भूल गए, सिलेंडर कितने का है इसमें दिया, अरे कपड़े उतार। अब क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस का पूरा निर्णय तय है, इस बार 24 में राहुल गांधी चुनाव तो लड़ेंगे, कार्रवाई हो रही है। कैसे लड़ेंगे भैया? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम भी केस करेंगे, अगर उनको सजा होगी, अगर इनकी सजा रद्द होगी तो प्रधानमंत्री सजा भी रद्द होनी चाहिए, गृह मंत्री सजा भी रद्द होनी चाहिए, सांसद सजा भी रद्द होनी चाहिए। अगर जितना लोगों ने बयान दिया है, पसा अटैक किए हैं, सब गैस्तर रद्द होनी चाहिए, तभी देश संविधान मानेंगे। क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? क्या क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? डर रही है ना? डरते तो ये लोग हैं, डरते तो ये लोग हैं, ईडी सीबीआई सब तो लगा लिए, डरते ये देखेगा भारतीय जनता पार्टी को इस कर्म का जवाब बहुत करारा मिलेगा। और इस बार 24 में धमका रहे हैं, अरे धमकी देना काम तो नरेंद्र मोदी करते हैं।